चित्त की वृत्तियां हैं, या कुछ भाष्यकारों का भी मंतव्य दिया। एक जगह मैं सुन रहा था, आज माननीय कुलपति महोदय आए थे तो उन्होंने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात से भी अलंकृत किया। ये कहने के लिए बड़े साधारण शब्द है, इनकी गहराई को जानने के लिए बड़े लंबे अध्ययन की आवश्यकता है। वस्तुतः अगर योग को किसी ने समझाया है तो, अगर पतंजलि को समझना है तो हमें आचार्य व्यास की कमेंट्री पढ़ने पड़ेगी, और उन्होंने पहले ही सूत्र में उन्हें युज समाधव कहा है कि योग समाधि है। और समाधि एक नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सर्ववृत्ति निरोध नहीं कहा है, महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा है। इसलिए योग एक नहीं है, योग द्वय है। और वो योग द्वय कौन है? संप्रज्ञात योग है और असंप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात क्या है? कहते हैं संप्रज्ञायत इति संप्रज्ञाता, जिसमें प्रज्ञान शेष रहता है, मतलब रितंभरा प्रज्ञा जनित जिसमें ज्ञान बना रहता है, वो संप्रज्ञात योग है। और इससे भी समाधि बनती है। चित्त की जो पांच अवस्था, जो पांच भूमियां होती है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये कुछ नहीं है, ये प्रकृति के तीन गुणों का ही रूप है। और ये तीनों गुण कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर एक गुण ऊर्ध्वावस्था में होगा तो दूसरा गुण भी कहीं ना कहीं उसमें दबा हुआ होता है। कभी भी ये गुणों का नेचर होता है। तो जो ये हम कैटेगराइज्ड वृत्तियों में करते हैं या चित्त भूमियों में करते हैं, तो हम सिर्फ एक नाम को अलग अलग रूपों से मैं सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं, ये वृत्तियां ही हैं। चलिए, चूंकि ये मेरा शीर्षक नहीं है, शीर्षक मेरा नाद है, उस ओर मैं ला रहा हूँ। चूंकि योग शब्द की चर्चा हो रही थी और ये शीर्षक ही यही है कि हमें योग को समझाना है, चूंकि मेरे छात्र भी बैठे हुए हैं तो क्यों ना योग में चर्चा हो, इसलिए मैं इस ओर अपनी चर्चा लाया। अब मैं आपको नाद की ओर लेके आ रहा हूं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ईश्वर की चर्चा की हुई है, इसीलिए इसे स्वेश्वर सांख भी भगवद गीता में कहा गया है। और ईश्वर के बारे में कहते हुए, चूंकि पहले वो ईश्वर प्राणिधान को बताते हैं कि ये चित्तवृत्ति निरोध का मार्ग है, कहते हैं ईश्वर प्राणिधानाद्वा, तो कहते हैं भाई ये ईश्वर प्राणिधान के द्वारा चित्तवृत्तियों का तो निरोध हो सकता है, तो ईश्वर क्या है? तो ईश्वर को समझाते हुए वो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे मुक्त है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। अब उसकी गुणों की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं तस्य निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, उसमें सर्वज्ञता का बीज है। कहते हैं वो गुरुओं का भी गुरु है, काल भी उसका अवच्छेद नहीं कर सकता। तत्पश्चात वो नाद शब्द की ओर आ रहे हैं और वो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव, उन्होंने प्रणव शब्द से इसको अलंकृत किया। क्योंकि प्रणव, अगर हम नाद बिंदोपनिषद में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने प्रणव शब्द से ही शुरुआत की हुई है नाद की। तो हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि महर्षि पतंजलि नाद योग को नहीं मानते या नाद की चर्चा नहीं करते, क्योंकि नाद जो अव्यक्त नाद है, ऐसी ध्वनि जो हमें ब्रह्म से एक साक्षात्कार करवा दे, वही तो नाद योग है। तो यहां पर जो प्रणव कहा है, जो ओमकार कहा है, वही ओमकार है। और अगले सूत्र में कहते भी हैं कि तजप तदर्थ भावनम, मतलब जब हम उसकी जप का या उसकी भावना का जब हम लगातार जप करते हैं तो उससे हमारे जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं वो दूर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि, जैसा कि अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे, कि हम सिर्फ बातों को कह लेते हैं और उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कभी अप्लाइड योगा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें आवृत्ति की बात है कि हम उसको किस स्तर पर ले रहे हैं। और भारतीय चिंतकों ने तो सदा से कहीं ना कहीं अपने अंदर उस चीज को मनन किया, तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना। क्योंकि जो ज्ञान योग के साधन है वो क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन ही तो है। तो अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और ऐसा संकल्प ले लेंगे या एक मंच से हम ऐसा संदेश देंगे कि जो चीज सिर्फ किताबों तक सीमित है वो हमारे आचार या व्यवहार में नहीं आ सकती है, तो मेरे दर्शनानुसार ये उचित नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान अग्नि नहीं जागृत होगी तो हमारे विचार में कैसे आएगी? विचार के लिए चिंतन की आवश्यकता है। इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि जो साधक हैं वो एक्चुअली दो तरह के हैं। उसमें से भी जिस साधक की वृत्ति बहिर्मुखी ना हो के अंतर्मुखी है, वही नाद योग असली समझ पाएगा। क्योंकि जब हम नादानुसंधान पढ़ते हैं हठ योग में, तो हठ योग में नादानुसंधान की जो अवस्थाएं बताई गई है ना, आरंभावस्था, परिचयावस्था, घटावस्था और निष्पत्ति अवस्था, इन अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि जब आप अपनी भाषा को बहिर्मुखी न करके अंतर्मुखी करते हैं, तो अब आपको अंतर ध्वनियां सुनाई
देती हैं। ये ध्वनियाँ कैसी होती हैं? स्टार्टिंग में मतलब जब शुरुआत होती है तब ये स्थूल होती हैं और फिर धीरे 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 ये सूक्ष्म होने लगती हैं। इन्हीं का नाद विंदनोपनिषद में या हमारे जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा के बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन सब में अगर हमें कहीं चर्चा मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें जो चर्चा मिलती है वो इन्हीं से संबंधित मिलती है। अब मैं इस ओर आपका ध्यान लाना चाहूँगा जहाँ विक्रम सर ने अपनी बात को ख़त्म की थी कि हमारा जो ये चूंकि दार्शनिक पक्ष था, ऐसा नहीं है कि हम मंच के माध्यम से योग के एक ही दृष्टिकोण या एक ही पक्ष को लेकर चल सकते हैं। पक्ष दोनों हैं, मतलब दो धाराएं हैं ज्ञान को जानने की, वो धाराएं हैं, एक है दार्शनिक है और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में है जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहें या अनुसंधान के रूप में कहें। अनुसंधान दो तरीके से भी हो सकता है। साइंटिफिक में बात बच्चों के लिए जो मैसेज दे रहे थे कि लिटरेरी, हम लोग या तो लिटरेरी रिसर्च में हैं या साइंटिफिक रिसर्च में हैं। साइंटिफिक रिसर्च में हैं तो हमारे लर्निंग आउटकम डिसाइडेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो सही तरह का मार्गदर्शन न होने के कारण उसका आउटकम नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा कुछ वक्ता आए और उन्होंने अपनी बात कही कि भारत में सिर्फ कैवल्य धाम ही ऐसा है जो योग पर बहुत अच्छा रिसर्च करता है। मैं उनकी इस बात का कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ उनकी इस बात कि वो अच्छा काम कर रहा है, पर सबसे अच्छा काम कर रहा है इस बात को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं उनका जो साहित्य अनुसंधान विभाग है मैंने वहां पर भी देखा हूँ और जो वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग है मैं वहां भी देखा हूँ, उनका फिजियोलॉजिकल रिसर्च की वो क्वालिटी नहीं है जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस की है। वो लिटरेरी रिसर्च करते हैं और वो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के साथ एक्चुअल रिसर्च सिखाते हैं। मैं साइंटिफिक रिसर्च में भी रहा हूं और चूंकि लोग योग में आने के बाद सर्वप्रथम योग को समझने के बजाय संस्थान में बंध जाते हैं, तो संस्थान में हमें नहीं बंधना है। मेरा एक छोटा सा मैसेज भी मेरे छात्रों को है कि मैं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और विश्व के प्रथम पैरासाइकोलॉजिस्ट स्वामी राम रहे हैं। आप में से बहुत सब लोग जानते होंगे, जो ना जानते हो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने प्रैक्टिकली योग को साइंटिफिकली पूरे वर्ल्ड में वैलिड किया है। वो एक ऐसे योगी हैं जो MRI और EEG और BDO EEG लगाकर अपनी ब्रेन वेव्स को अल्फा बीटा थीटा डेल्टा को ऑनलाइन फ्लक्चुएट किया है। अपने हाथ की एक नस को दबा के पूरा आप मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, हार्ट ब्रीथ जीरो कर दिया काफ़ी समय तक, मतलब 15 से 20 मिनट, जब तक हम मानते कि जो डेड बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो फिजियोलॉजी उनकी थी, जैसे उन्होंने हाथ हटाया उनकी बॉडी चलने लगी, ऐसा नहीं है। और उस समय 1992 के दशक में उनका इस लेवल का रिसर्च का काम है जो हमारा ही मदर इंस्टीट्यूट अमेरिका में है और जो आज भी उनके पब्लिकेशन निकालता है। हम अज्ञानता बस ऐसी बात करते हैं। तो मेरा एक संदेश भी है कि हम कभी भी स्कूलिज्म में ना फंसे, हम किसी एक स्कूल में ना फंसे। हमें रिसर्च करना है, अगर अनुसंधान करना है तो अनुसंधान मतलब रिसर्च, कुछ नया ऐसा सर्च जिसमें कुछ नया आयाम आ रहा हो, या वो दार्शनिक हो या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हो या साइंटिफिक रिसर्च हो। साइंटिफिक रिसर्च में अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, अगर आपका टॉपिक क्लियर है, आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप उसमें लर्निंग आउटकम्स लाइए। अच्छे लर्निंग आउटकम्स आएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं गुणवत्ता में सुधार आएगा। मैं शिक्षा तंत्र की बात करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा योग ही नहीं अपितु समस्त क्षेत्र में 1% से भी कम लोग उच्च शिक्षा में आते हैं। हम बात करते हैं कि कभी भी रिसर्च अच्छा नहीं हो रहा। रिसर्च क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रुझान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बातें करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की, फिलोसफिकल रिसर्च की, पर कभी हमने इस विषय पर विचार किया कि हमारे भारत में प्रबुद्ध वर्ग का वर्ग जो है 1% से भी कम है। PhD डिग्री धारक हमारे भारत में 1% से भी कम है। PhD की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कम हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस समय तक अभाव होता है, आर्थिक अभाव होता है व्यक्ति की। हम उस समय की प्रैक्टिकल चीजों को कभी नहीं समझते हैं। क्या इस विषय पर हमने कभी विचार किया? हम योग के प्रमोशन की बात करते हैं तो क्या योग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे प्रमोशन हो सके? तो इन विषयों पर कहीं ना कहीं हम सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और चूंकि मेरी बातें मुझे लगता है कभी भी समय की परिधि में नहीं रहती हैं, तो अगर मेरी बातों से किसी का हृदय आहत हुआ हो तो मैं उनके लिए